दोस्तों YouTube पे मैं काफी सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिनका कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, वीडियो एडिटिंग बहुत तगड़ी होती है, थंबनेल क्लिकेबल होता है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं होते। और पता है उसके पीछे एक सिंपल सा लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब देखो, ये उन क्रिएटर्स को अच्छे से पता होता है कि उनकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आपके पास अच्छा माइक होना चाहिए। और हम में से काफी सारे लोगों के पास स्टार्टिंग में इतने भी पैसे नहीं होते कि हम एक माइक खरीद सकें। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए 3 ऑडियो रिकॉर्डर ऐप्स लेके आया हूं जो फ्री टू यूज है, जिनके काफी अच्छे डाउनलोड्स हैं, रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, साथ में जो सबसे मेन फीचर्स हैं यानी जिससे आपकी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होती है, वो सारे फीचर्स आपको फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा इनका इंटरफेस इजी टू यूज है, और इसके साथ एक और सबसे कमाल का फीचर इन तीनों ही ऐप्स में जो आपको मिलता है वो है नॉइज रिडक्शन का फीचर। तो अगर आप बस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज का ध्यान रख लो तो आप फोन से ही बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ इन तीनों ऐप्स के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना, वरना आप अपने वीडियो पे व्यूज लाने के चांसेस मिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऐप है MP3 रिकॉर्डर, और प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग देखो तो 4.6 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस ऐप के बारे में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि इसका इंटरफेस बड़ा ही सिंपल है, यानी आप बहुत सिंपल तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करिए, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर यहां से इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पे थीम वगैरह तो आप चेंज कर ही सकते हैं, साथ में आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप यहां से माइक चूज कर सकते हैं, आप अपने ऑडियो को स्टीरियो या मोनो रख सकते हैं, उसके अलावा ऑडियो सैंपल रेट में भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑडियो बिटरेट का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो फॉर्मेट में आपको MP3 और वेब फॉर्मेट मिलते हैं, तो जो कि हमारे लिए नफ है। और साथ में जैसा मैंने कहा था कि आपको नॉइज रिडक्शन फीचर भी तीनों ऐप्स में मिलेगा, तो इसमें देखो यहाँ पे नॉइज सप्रेशर का ऑप्शन है, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इनका जो नॉइज सप्रेशर का ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, इसीलिए जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करें तो पहले ही आपको बैकग्राउंड नॉइज कम रखना है। बाकी आप यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ट्रिम करने का भी ऑप्शन यही मिल जाता है, तो आप चाहें तो अपने ऑडियो को यहीं से ट्रिम भी कर सकते हैं। नॉइस का लिंक और बाकी जो दोनों ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको इंस्टॉल करके इजिली यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, जो सेकंड ऑडियो रिकॉर्डर है वो है ASR वॉइस रिकॉर्डर, और ये ऐप बहुत ही एडवांस एकदम प्रीमियम लेवल का ऐप है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको शायद किसी ऑडियो रिकॉर्डर में ना मिले। इसलिए ऐप ना ही सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है बल्कि बहुत प्रोफेशनल भी है। तो इस ऐप में आपको स्किप साइलेंस का, एडजस्ट गेन का और क्लाउड स्टोरेज का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहां से अगर आप अपना रिकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो एडजस्ट गेन पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं, साथ में अगर आप स्किप साइलेंसेज ऑन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑडियो सोर्स के ऑप्शन में आपको कितने सारे माइक्रोफोन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इतने सारे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जो कि शायद ही किसी ऐप में मिलते होंगे। इसके बाद सैंपल रेट, स्टीरियो रिकॉर्डिंग और साथ में यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन भी है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। नौ यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब जो आपको एडवांस लेवल के ऑप्शन है वो भी मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे टाइमर सेट कर देंगे तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद फाइल स्प्लिटिंग के ऑप्शन में, जैसे अगर मैं यहाँ 1 मिनट सेट कर देता हूँ तो 1 मिनट जैसे ही रिकॉर्डिंग होगी उसके बाद अपने आप दूसरी फाइल बन जाएगी और उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इधर एडवांस फीचर्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल ऐप भी है क्योंकि इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड और लास्ट ऐप है वो है वॉइस रिकॉर्डर, और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। तो इस ऐप का भी इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर बैक जाके थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिलता है। आप यहाँ से बेस्ट क्वालिटी में, स्पेस सेवर क्वालिटी या बैलेंस क्वालिटी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स में मिल जाते हैं, साथ में सैंपल रेट का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑडियो सोर्स का ऑप्शन, एडजस्ट गेन का ऑप्शन, ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, स्किप साइलेंस का ऑप्शन, साथ में बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन और अकोस्टिक इको कैंसलर का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देंगे तो आपकी ऑडियो की जो बैकग्राउंड नॉइज होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। नॉइस ऐप में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलता है, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ क्रॉप और ट्रिम का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से अपनी ऑडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप इसको भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, मैंने इसके अलावा उन दोनों ऐप से भी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो ये रहे वो दोनों वीडियोस, आप इन दोनों को जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।